शिटी, आप केप टाउन में जाके जुहू वाली फीलिंग दे रही है सबको। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि स्लैक लाइन का काफी मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है थैंक्स टू द क्रिएटर्स एंड द क्रिएटिव टीम ऑफ द शो, मुझे स्लैक लाइन का मौका दे रहे हैं। और क्योंकि मैंने जुहू में सीखा है स्लैक लाइन और मेरा जुहू गैंग है, तो हमारे काफी हमारा नारा है जुहू वाला सेम सी, इसलिए मैं काफी उसको प्रमोट करती हूँ। फिर तो वो गैंग बहुत खुश हो गया होगा। हाँ अभी तक तो काफी खुश है, आई होप आई मेक देम प्राउड। ओके, सो टेल मी हाउज गोइंग इन केप टाउन। मजा आ रहा है क्या? हो क्या रहा है? क्या रिग्रेट तो नहीं हो रहा है गलती से कहाँ फंस गए? ऐसा भी होता है, बहुत बार ऐसा लगता है कि कहाँ फंस गई हूँ, लेकिन बहुत डर भी लगता है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी लगता है कि बहुत अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिला है और बहुत मजे की चीजें करने का मौका मिला है, ऐसा भी लगता है। और नो टू डेज आर अलाइक, मतलब कोई भी 2 दिन ऐसा नहीं होता है कि एक ही जैसा हो, हर रोज एक दूसरे से बहुत अलग होता है, तो मेरे ख्याल से ग्रोइंग प्रोसेस है एंड आई एम लर्निंग टू गेट कंफर्टेबल विद इट। ओके, सो आई वाज गोइंग, हाउ वाज इट लाइक? टास्क सबसे डिफिकल्ट वाला कौन सा था अब तक का? अगर आप प्रोसेस बताएं कितने हो चुके हैं, और सबसे ज्यादा जो स्केरी होता है ना, वो कुछ था क्या? सभी कुछ कैरी होता है बिकॉज मतलब आई हैव टू गिव क्रेडिट टू हाउ द स्टंट्स आर थॉट आउट ओवर हियर, मतलब वो बहुत क्रिएटिवली सोचे जाते हैं, अच्छा, मतलब ऑफकोर्स फियर एस्पेक्ट तो है ही बाय द डेफिनेशन ऑफ व्हाट द शो इज कॉल्ड, फियर एस्पेक्ट है हर चीज में, या हाइट है या पानी है या जानवर है, या मतलब आप सोच भी नहीं सकते जिस किस्म के फियर से आपको इंट्रोड्यूस करता है ये शो। बट मेरे लिए जो सबसे ज्यादा मुश्किल रहा हो होगा वाज इंटरैक्टिंग विद एलिगेटर्स, मेरे ख्याल से मगरमच्छ मेरे लिए सबसे ज्यादा स्कैरी था। ओके, ये हो गया है या बाकी अभी होना? हो गया है, वो प्रोमो में भी है, सोचा अच्छा, मतलब वो प्रॉपर शूट हो गया है, नॉट ओनली इन प्रोमो। नहीं था ना, सोचा ही नहीं था मैंने कि यार मगरमच्छ ले आएंगे। तो आप मेंटली कितनी प्रिपेयर थी इसके लिए? बिकॉज ये पहला सीजन तो बिल्कुल है नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं और बिल्कुल मैं नहीं। जो आने वाले सीजन्स में जो लोग आएंगे, मैं उनको बहुत दुख के साथ ये बताना चाहूंगी कि आप इस शो के लिए मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर नहीं हो सकते, बिकॉज द वे क्योंकि सब कुछ नया है, अगर आप कितना भी ये शो देखकर आ जाए, क्योंकि स्टंट्स रिपीट नहीं करते हैं, अगर कोई सिमिलर स्टंट है तो उसको थोड़ा लेवल अप कर दिया जाता है। हैविंग सेड दैट, इट्स एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ फियर, इट्स समथिंग नॉट न्यू। न्यू, क्या मतलब अलग ही है, मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू प्लेस योरसेल्फ इन दिस प्लेस ऑफ फियर ऑन अ डेली बेसिस, इट्स अ लॉट। ओके, सो टेल मी अबाउट होस्ट। हाउ इज ही? स्ट्रिक्ट? इजी? ही इज एक्चुअली फैबुलस, ही इज एब्सोल्युटली फैबुलस, ही इज गॉट एन अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर and he is there, we are very confident because of him, क्योंकि वो हमें इस तरीके से गाइड करते हैं और हम सबको ये भरोसा है कि वो है तो कुछ बहुत बुरा तो नहीं होगा, और वो हमें बताते हैं कि किस तरीके से ये स्टंट करें तो बेहतर रहेगा, और वो गाइडेंस हमारे ख्याल से इज द गाइडिंग लाइट फॉर मोस्ट ऑफ अस, और वो बहुत खुश होते हैं जब हम कोई भी स्टंट अच्छे से करते हैं, और वो काफी हंसते हैं जोक्स पे, जैसे राजीव है, निशांत है, प्रतीक है, बहुत मतलब वी हैव अ लॉट ऑफ फनी पीपल ऑन द शो, और इट्स वेरी एंडियरिंग टू सी हिम हैविंग फन विद दीज बॉयज लाइक देम हिज ओके फ्रेंड्स, तो ओके मुझे अच्छा, बहुत अच्छा लगता है देखना। यहाँ पे लड़कियों के लिए थोड़ी सी कुछ क्या बोलते हैं, एक थोड़ा है, छूट है आपको लगता है स्टंट वगैरह के मामले में, या सेम होता है? आप देखिए लड़कियां क्या कर रही हैं, मैं ज्यादा बता नहीं सकती आपको, पर लड़कियों ने ऐसी आग लगाई हुई है ना खतरों के खिलाड़ी, अब मैं आपको बता नहीं सकती लड़कियों ने क्या क्या नहीं किया है इस शो पे, और कमाल का किया है, मतलब मतलब अगर मैं एक नाम लूं और दूसरे का नाम ना लूं तो गलत हो जाएगा, इतना गलत कि मैं बता ही नहीं सकती, अच्छा, झूठ की जरूरत है ही नहीं। मतलब जैसा कि मैंने कहा कि इस शो के लिए आप ट्रेन नहीं कर सकते, आप बेसिक ट्रेनिंग कर सकते हैं कि आप स्विमिंग सीख कर आ जाए, आप ड्राइविंग सीख कर आ जाए, जी लेकिन
एक स्पेस ऑफ फियर में जो एक स्किल चाहिए होता है अबाउट कॉन्स्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रिसिजन एंड काम जो चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग ये शो है। इसके बाद जब आप कोई भी चीज को अप्रोच करेंगे, आई थिंक दैट काम दैट ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी विल हेल्प यू। कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेलिब्रेटिंग कि लड़कियों ने खतरों के खिलाड़ी में आग लगा रखी, खतरों की खिलाड़ी में स्टंट से आग लगाई है, लेकिन मैं जो सोशल मीडिया पर देख रही हूँ जो सबका ग्लैमरस लुक दिख रहा है वो भी कम आग नहीं लगी है। विद ड्यू क्रेडिट वी हैव अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल पीपल ऑन द शो, इट्स अ सेट ऑफ रियली रियली ब्यूटीफुल पीपल, सो गोज विदाउट सेइंग इट विल लुक ब्यूटीफुल, बट ऑफ कोर्स वी हैव साची हु असिस्टेड बाय वनीता हु आर एब्सोल्युटली एब्सोल्युट ट्रीट टू वर्क विद, स्पेशली फॉर मी, क्योंकि मेरा ऐसा सेंस ऑफ स्टाइल इज नॉट वेरी क्लियर, मैं कुछ भी पहन के कहीं भी पहुंच जाती हूँ, तो मेरे लिए वो गाइडेंस बहुत अच्छा रहता है एंड देयर वेरी अप्रोचेबल, उनसे बात कर सकते हैं अगर मुझे कुछ अनकंफर्टेबल होता है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करती है, तो इट्स अ वेरी कोलैबोरेटिव थिंग, हालांकि आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन द डिसीजन मेकिंग ऑफ साची एंड वनीता। That's really great. अच्छा एक बात बताइए, so basically जब reality shows होते हैं तो लोग बोलते हैं partiality हो रही है, इनको favor करते हैं, उनको favor करते हैं। मैं अपना personal जैसे promos वगैरह इतने साल से जो देखते आ रहे हैं show को, मुझे नहीं लगता जब ऐसा फील होता होगा कि मुझे ही ज्यादा दिया भारी वाला स्टंट दिया, लेकिन जब दूसरे का देखते होंगे तो ऐसा होता है मुझे तो कम था इसका ज्यादा है। क्या होता है जब आप खुद करके और आप थक जाते हो, जब डरे हुए होते हो, लेकिन जब आप दूसरे का देखते हो कि आपसे भी ज्यादा भयानक है, तो वो क्या होता है? और ऐसा आपके साथ हुआ है कभी? मुझे हमेशा लगता है कि थैंक गॉड ये स्टंट मुझे नहीं मिला। और आई एम जस्ट अमेज्ड, मैं मतलब इंस्पायर्ड बोलूं, अमेज्ड बोलूं, क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ पे वो चीजें की हैं जो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि, और मतलब विदाउट लाइक अनफ्लिंच्ड, मतलब आई डोंट नो हाउ मच आई कैन मेंशन इन दिस इंटरव्यू, लेकिन जन्नत है, यू कैन लिटिल बिट फियरलेस, मतलब और मतलब एफर्टलेसली मुस्कुराते हुए सब कुछ करती है, तो इंस्पायरिंग तो मैं क्या ही बोलूं, आई एम जस्ट इन ऑ ऑफ ऑल दीस गर्ल्स व्हाट दे आर डूइंग एंड द बॉयज, मतलब स्टाइल से एकदम, मतलब हीरो स्वैग से स्टाइल है ना, मतलब एकदम बहुत बहुत मजा आता है, मतलब आई हैव द फ्रंट रो seats to magnificent performance in the level of fear that I couldn't have imagined. So that is very, very lucky to have. Front row seats to watching this amazingness. Amazing. Okay. अच्छा इस तरह की जो reality shows होते हैं like Big Boss है या खतरों के खिलाड़ी है, you learn something, you discover something about you. It's not that you are going dancing and coming back and getting trophy and something like that. So tell me about yourself. आपने कुछ अपने बारे में अब तक discovery की है जो अब तक आपको नहीं पता था? मुझे अभी डिस्कवर हुआ है कि मैं बहुत मूडी बहुत क्या है सॉरी मेरा मूडी हूँ। जिस दिन मेरे स्टंट नहीं अच्छे होते मैं बहुत कुड़कुड़ करती हूँ, जिस दिन मेरा दिन लकीली अच्छा बीत जाता है, मैंने कुछ अच्छा कर दिया होता है स्टंट पे, उस दिन मैं बहुत खुश रहती हूँ कि अरे कितनी अच्छी चीज होगी, कितनी अच्छी चीज होगी यार, कहीं सब अच्छा होगा। तो मेरे ख्याल से वो मैंने डिस्कवर किया कि मैं बहुत मूडी हूँ। ओके कितना मिस कर रही है डेली सोप को, जो रेगुलर शूट पे जाना आना और यहाँ एकदम अलग दुनिया में। मैं बहुत मिस करती, मतलब जस्ट बीइंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा टू क्रिएट अ कैरेक्टर इज व्हाट आई लव डूइंग, व्हिच आई प्रेफर डूइंग, ऑफ कोर्स बहुत बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, मैं बता नहीं सकती हाउ मच आई एम वेटिंग टू गेट अ स्क्रिप्ट विद अ न्यू नेम एंड टू बी अनदर पर्सन। और क्या क्या होता है बिहाइंड द सीन जो क्रोकोडाइल वगैरह को छोड़ के? बहुत मजे होते हैं, और स्पेशली जब आप कोई स्टंट करने जाते हैं तो मतलब एक ही स्टंट है जो मैं मतलब मैंने मुझे लगता है बहुत बुरा किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया, क्योंकि वो स्टंट ऐसा था कि मतलब वो दूरी पे था और किसी वजह से बाकी दोस्तों की आवाज नहीं आ रही थी कि आप कर सकती हैं, और अच्छा, मतलब नहीं आ रही थी, तो वही स्टंट मेरे ख्याल से मैं कर ही नहीं पाई क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं था। मेरा हर स्टंट मैं इसीलिए कर पाई हूँ क्योंकि ये बाकी जो 13 लोग थे इन्होंने सपोर्ट किया और भरोसा दिखाया कि मैं कर सकती हूँ। यहाँ पे कॉम्पिटिशन तो है बट टीम सपोर्ट भी है काफी, है ना? बहुत ज्यादा मतलब इट्स अमेजिंग, आई थिंक इट्स एग्जेम्पलरी, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कितना ये लोग सब सपोर्ट करते हैं और पुश करते हैं कि आप खुद पे और भरोसा करें।
ओके, फाइनली किस तरह से अपना ख्याल रख रही हैं? बीइंग एक्टर बहुत ध्यान रखना पड़ता है, स्किन, फिटनेस एंड एवरीथिंग, नो? यहाँ पे बस वक्त से खाना खाए, हाइड्रेटेड रहे, ये बहुत जरूरी होता है। और दोस्तों से आपस में बातचीत हो जाए ताकि मेंटली भी आप रिलीव रहे, क्योंकि हम स्ट्रेस सिचुएशन में हैं ऑन अ डेली बेसिस पे ना, हम हर रोज डर के पोजीशन पे हैं। तो काफी इंटेंस है ये शो, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली। तो मेरे ख्याल से एक दूसरे के साथ रहे वो बहुत जरूरी होता है। तो बस वही करने की कोशिश करते हैं कि सबसे 2 मिनट अच्छे से बातचीत हो जाए, मुस्कुरा लें, थोड़ी इधर उधर की बातें हो जाए, फालतू बातें हो जाए, मस्ती कर लें, बातें डांस कर बातें लें, वही करते रहते हैं। गॉसिप होती है, नहीं है बताओ ये एक्चुअली गॉसिप क्या होगा, 14 के 14 लोग सेम किस्म की प्रॉब्लम गॉसिप करेंगे क्या? तो वही होता है। फिर हम खाना भी साथ में खाते हैं, साथ में शूटिंग में जाते हैं, साथ में वापस आते हैं। तो इट्स वेरी नाइस, ओके सम मोमेंट्स ऑफ द डे आर एन एब्सोल्यूट पिकनिक। ओके फाइनली अपने फैंस को क्या कहेंगे? यहाँ पे बैठे प्रोमोस देख रहे हैं, काफी एक्साइटेड हैं आपको देखने के लिए कि स्टंट कैसे करती हैं। टीवी शो में तो आपने धमाल मचाया, आई मीन डेली सोप में तो धमाल मचाया ही है, बट टेल मी मैं अबाउट लाइक चाहूंगी कि ये एक शो है जो मैं चाहूंगी कि वो देखें, और सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, सबके लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से एग्जाम्पलरी स्ट्रेंथ दिखाई है लोगों ने, एंड इट इज गोइंग टू बी इंस्पायरिंग फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, जो चीजें सभी लोगों ने की है इस शो पे। तो मेरे लिए नहीं, बाकी जो मेरे 13 दोस्त हैं जो इतना अच्छा कर रहे हैं, सबको देखें और कुछ सीखें, क्योंकि मैं सबसे बहुत कुछ सीख रही हूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, चलिए थैंक थैंक यू यू। सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स।